लिटिल सिंह भैया, लिटिल सिंह भैया, हमारे हमारे दोस्तों को किसने मारा? रुद्र भैया, कीको भैया को किसने मारा? सो गाइस, मेरे सबसे अजीज दोस्त, सबसे खास दोस्त को मार दिया गया है। सो गाइस देखो, यहाँ पे रुद्र और कीको को क्या गंदी तरह मार दिया गया है। सो गाइस यहाँ पे ना सारे बंदे इनके फ्यूनरल पे आए हैं। गाइस यहाँ पे ऑगी आया है, एलिमेंटल लिटिल सिंगम भी आया है। सो गाइस मुझे ना आज ढूंढना पड़ेगा भाई इनका कातिल कौन है। सो गाइस मैंने एक बार पता लगा दिया तो इनका कातिल कौन है, उसके बाद गाइस कुछ अच्छा होगा। अरे वे, इसको किसने मारा है? वे मुझे पता लगेगा, मैं इसको मुंह पे घुसन मारूंगा। वे मेरे को एक सब पता लग जाए। सो पता लगने के बाद होगा क्या गाइस? ये दोनों जिंदा हो जाएंगे। अरे यार, ये सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। तुम लिटिल सिंह, अब यार तुम प्लीज एक बार पता लगाओ भाई इन दोनों को किसने मारा। दोस्तों मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये हमारा सबसे अच्छे दोस्त है। अरे लड़ सिंह भैया का सच में क्या ये होने वाला है? और हमारे रुद्र भैया सब जिंदा हो जाएंगे भाई? ये होने वाला है, लेकिन गाइस एक गड़बड़ हो चुका है। सो गाइस मेरा जो सस्पेक्ट है, सो गाइस जिन जिन ने रुद्र कीको को मारा है, सो गाइस जिनके ऊपर मेरा शक हुआ, मैंने सारे बंदे को उठा के ले आया है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे ना देखो कौन कौन है। गाइस किबिडी टॉयलेट है, वेनम है, ग्रैनी है भाई, यहाँ पे डॉन जॉन है, और गाइस ब्लैक हॉक है, और गाइस नन। सो गाइस इनमें से एक बंदा ने मार डाला रुद्र कीको को। सो गाइस मुझे ना सिर्फ पता लगाना पड़ेगा किसने मारा है, उसके बाद गाइस ये कीको और रुद्र जिंदा हो जाएगा और उसके बाद उसको सजा मिलेगा। सिकिबिडी बम 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 बम, ये सिकिबिडी भाई मैंने तो बिल्कुल ही नहीं मारा। सिकिबिडी वो सिकिबिडी बम 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 बम, वे मैंने नहीं मारा भाई इन सबको। वे तूने मेरे को ऐसे क्यों पकड़ा है? मैंने नहीं मारा रुद्र को, रुद्र मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है। अरे तुम पागल हो चुके हो, मैंने नहीं मारा है रुद्र को, रुद्र मेरे से ज्यादा पावरफुल है। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। वे तूने ठीक नहीं किया लिटिल सिंह, तू मेरे को पकड़ के डॉन बनेगा जॉन, उसको मैं तेरे को भी जेल में डालूंगा। अरे मैं हूँ ब्लैक कागी, मैं तो उसका मार ही नहीं सकता हूँ भाई, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है रुद्र लड़की को। मैंने मारा है लेकिन किसको पता नहीं। सो गाइस मेरे को सिर्फ पता लगाना पड़ेगा इनमें से किसने मारा है। सो गाइस मेरा जो दोस्त है शिवा, सो गाइस वो ना एक मशीन बना रहा है, काम कर रहा है। सो गाइस ये मशीन एक बार ठीक हो जाए तो हम गाइस हर एक बंदे का पास्ट में जा सकते हैं। अरे लिटिल सिंह भैया मशीन काम नहीं कर रहा, ये मशीन एक बार काम कर जाए तो हो सकता है, लेकिन अभी तो मशीन काम ही नहीं कर रहा, अब क्या होगा? अरे तू क्या बोल रहा है भाई, ये मशीन काम नहीं कर रहा। हाँ लिटिल सिंह काम नहीं कर रहा। सो गाइस अब क्या होगा? अरे दोस्तों लोग, आप लोग को सब सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे सच में ऐसा कुछ हो सकता है? सो दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, फटाफट वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई ये जो एकदम होल देख रहे हो, यहाँ से गाइस एक पोर्टल ओपन होगा। इस पोर्टल की मदद से ना गाइस हम हर एक बंदे का पास्ट में जा सकते हैं, और पास्ट में जाके पता लगाएंगे भाई किसने रुद्र कीको को मारा है। सो गाइस आप ना हमारी थोड़ी मदद कर दो यार, प्लीज कर दो गाइस, वहाँ का सीन तो देखो। सो गाइस यहाँ का सीन देखो, यहाँ पे हर एक बंदा रो रहा है। सो गाइस हर एक बंदे को रुद्र कीको को जिंदा करना है, इसलिए गाइस हर एक बंदा रो रहा है। सो गाइस आप तो इतनी मदद कर ही सकते हो, जो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो यार, फटाफट करो, उसके बाद गाइस कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। ऑल राइट भाई, ये क्या हुआ? आपने सब्सक्राइब किया लगता है गाइस उसकी वजह से कुछ हुआ है। अरे नहीं नहीं कुछ गड़बड़े। अरे क्या बोल रहा है? अबे बंद कैसे हो गया यार? चलो गाइस फिर से हो गया। सो दोस्तों आप सब्सक्राइब करते रहो, आई थिंक ये चलते रहेगा। अरे सी भाई ये काम कर रहेगा ना अभी? लिटिल सिंह भैया अब काम करेगा, आप बंदे को ले आओ, उसके बाद हर एक बंदे को हम पोर्टल में घुसाएंगे, उसके पास्ट में जाके देखेंगे भाई किसने मारा है हमारे दोस्त रुद्र कीको को। चलो गाइस तो तूने बहुत अच्छी बात बताई। अरे लिटिल सिंह भैया हम तीन बारी कर सकते हैं ये। सो गाइस हम तीन बारी ये मशीन को यूज कर सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले ना मुझे शक हो रहा है इनमें से ये है बंदा है ग्रैनी। सो गाइस ग्रैनी ना हम लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ता है। पागल हो चुके हो, मैं तुमसे नहीं चिढ़ती। हाँ भाई मेरे को पता है, लगता है गाइस यही मारा है रुद्र कीको को। भाई इसका शक्ल देख के तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है। नहीं मैंने नहीं मारा है। सो गाइस तेरे को ऐसा लग जाए तो चल भाई इस पोर्टल में खड़ा हो जा। सो गाइस मैं ग्रैनी का पास्ट में जाऊंगा, उसके बाद गाइस मैं ग्रैनी का बैंड बजाऊंगा। भाई मुझे तो शक्ल देख के लगता है भाई इसने मारा है रुद्र कीको को। ठीक है तुम मेरा पास्ट जाके देख लो, उसके बाद तुम्हारा अकल ठिकाने पे आएगा। ठीक है भाई तू धमकी दे रहा है ना, मुझे पता लगा ना मैं इस गाइस को जेल में डाल दूंगा, नहीं तो मैं भी इसको भी मार डालूंगा। अरे शिवा अब क्या करना पड़ेगा? अरे लिटिल सिंह भैया आपको ना ये रेड कलर का बटन दबाना पड़ेगा। ये वाला बटन? चल दबा दिया। अरे 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 बैंस क्या भाई, मैं कहां से काम जा रहा हूँ भाई साहब, क्या जोर से लग गया दोस्तों। अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ भाई, मेरे साथ हो क्या रहा है दोस्तों? अरे ऑल राइट
दोस्त एक मिनट गाइस, ये जगह मेरा देखा देखा टाइप का लग रहा है। एक मिनट गाइस, सबसे पहले ना मैं घर के अंदर चलता हूँ। सो गाइस एक और बात गाइस, मेरा पूरा बॉडी इनविजिबल हो चुका है। सो गाइस मेरे को याद आ चुका है, ये जो घर है ना, ये गाइस ग्रैनी और ग्रैंडपा का घर है भाई। ये दोनों ना इस घर में रहते हैं। चलो गाइस बहुत अच्छी बात है, चलो भाई गाइस इनके ऊपर थोड़ा नजर रखेंगे भाई, देखेंगे क्या चल रहा है। भाई तूने पूरा सही पता लगा ना, पूरा ऐसा ही होगा। हाँ रुद्रा भैया, हाँ रुद्रा भैया, ग्रैनी ना बच्चा जोड़ी कर रहा है। अरे दोस्तों ग्रैनी ना सब बच्चे छोड़ी कर रहे गांव से, इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा खबर मिला है। आज ग्रैनी के साथ बातचीत करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। मेरे को पता लगा उसने बच्चा छोड़ी किया तो। अरे अरुद्रा भैया ये रहा उसका घर, चल इसके घर के अंदर चलते हैं। भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा। एक मिनट गाइस, ये दोनों तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सो दोस्त अभी नहीं जी बातचीत कर रहे थे, लगता है कोई बच्चा चोरी क्या केस में आए हैं सब लोग। कहाँ पे चला गया? एक मिनट, यहाँ पे डंडा बंडा भाई, यहाँ पे हब्बल सब ये क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे ग्रैनी कहाँ पे चला गया? एक मिनट गाइस, ये किसी को ढूंढ रहे भाई, टॉयलेट में किसको ढूंढ रहा है सब दोनों। अरे ग्रैनी ग्रैनी तू कहाँ पे? भाई मेरे हाथ में लग जाए तो मैं तेरे को जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। मुझे लगता है ना ये घर के दूसरे फ्लोर पे हो सकता है ग्रैनी। रुद्रा भैया, रुद्रा भैया चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो भाई वो ऊपर ही है, चलो ऊपर चलते हैं भाई। उसके बाद उसका मैं बैंड बजा दूंगा भाई, कौन से रूम पे हो सकता है ये वाला ओपन करता हूँ। चलो बहुत बढ़िया। अरे ओए तुम दोनों क्या बच्चे चोरी कर रहे हो, मेरे को खबर मिला है। अरे यार चलो दरवाजा ओपन करते हैं। सो गाइस मुझे ना फटाफट दूसरे फ्लोर पे जाना पड़ेगा भाई, रुद्रा तो कितने स्पीड में चढ़ गया। सो गाइस मुझे ना फटाफट जाके ना उन सबका बातचीत सुनना पड़ेगा। सो गाइस लगता है इसी टाइम पे ग्रैनी और ग्रैंडपा मिलके ना रुद्र और कीको को मार डाला। लेकिन गाइस रुद्र तो बड़ा ताकतवर बंदा है, कीको भी ताकतवर बंदा है भाई, लेकिन ऐसे वैसे कैसे मार सकता है, मेरे को समझ तो बिल्कुल भी नहीं आया। अरे रुद्र भाई तू कहाँ पे? एक मिनट गाइस, मेरा आवाज तो भाई उन सबको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा भाई, मैं ना इन सब के पास्ट में आया हूँ। अरे यार ये तो बहुत बड़ा घर है, मैं इस तरफ से उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ से इस तरफ जा रहा हूँ भाई, समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अरे रुद्रा भाई तुम सब कहाँ पे हो? ऑल राइट भाई, उन दोनों तो भाई सही सलामत अभी तक है भाई, लगता है ना कोई बातचीत ही चल रहा है इन सब का। अरे चुपचाप बता दे तू बच्चा चोरी कर रहा है आजकल, मैंने सुना है। नहीं हमने बच्चा चोरी करने का बिजनेस बंद कर दिया, हम और बच्चा नहीं चोरी कर रहे हैं, हम बच्चा नहीं चोरी कर रहे, आज से हम एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। आज से हम अंडा बेचेंगे, अंडा अंडा, इसलिए देखो हमारे जो अंडा बॉयल भी कर रहे थे। तू पागल बना रहा हम लोगों को, तू लगता है कोई बच्चा पकड़ के यहाँ पे ले आया है। कल रात हम लोगों को बहुत ज्यादा खबर मिला है, तू कल रात दो बच्चे चोरी किया है। एक मिनट गाइस, ग्रैनी बच्चे चोरी कर रहा है? सो गाइस ग्रैनी बोल रहा है आज से ना एक नया बिजनेस शुरू किया है भाई, अंडे का बिजनेस, मतलब वो अंडा बेचेगा। भाई ये बड़ा अजीब बंदा है भाई, ये दोनों सच में सड़िया गया है क्या? अरे नहीं हमने बच्चा चोरी नहीं किया, तुम सबूत के साथ यहाँ पे आना, तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। अरे रुद्रा भैया चलो चलो भाई, हम लोगों को सबूत के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैनी उल्टा सीधा हम लोगों के बोल के भगा देगा। तूने सही बताया, सबूत के साथ हमको आना पड़ेगा। ठीक है चलो। अरे मैं कार चलाऊंगा अब देखो। ठीक है ठीक से चलाना, जोर से मत चलाना। अरे दोस्तों हम लोगों को सबूत के साथ दूसरी बार जब आएंगे ग्रैनी को गिरफ्तार करेंगे हम लोग। ऑल राइट भाई, वो दोनों तो सही सलामत चले गए, और गाइस कोई लड़ाई फड़ाई तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गाइस मेरे को इतना समझ आ चुका है भाई, इन दोनों ने तो बिल्कुल नहीं मारा। चलो गाइस प्रेजेंट पे चलते हैं। राइट गाइस हम तो यहाँ पे आ चुके हैं। अरे ग्रैनी भाई तू ना जा सकती है भाई। हाँ मैंने बोला ना मैंने नहीं मारा भाई, तू मेरे साथ शक कर रहा है। लेकिन तू बच्चा चोरी कर रहा है भाई, मेरे को तो पता लग चुका है, अभी मेरे सामने जब आएगा तेरा मैं बैंड बजा दूंगा। ओए ओए ग्रैनी के बच्चे, ओए तू मेरे, ओए तू बच्चा चोरी कर रहा है, कुछ देर बाद मुझे लगता है तूने कीको को इसको मारा है, तू सच बता दे। नहीं मैंने नहीं मारा, ये सब पागल हो चुके। सो गाइस ग्रैनी तो उल्टा सीधा बोल के चली गई। अरे सिबा क्या हुआ? अरे भैया आप सिर्फ दो चांस के अंदर आपको पता लगाना पड़ेगा। अरे सच में? सो गाइस हमारे हाथ में सिर्फ दो ही चांस है। सो गाइस हमने दोनों गलत गेस किया तो भाई पूरा बैंड बजा जाएगा। सो गाइस आप बताओ, सो गाइस इनमें से किसका पास्ट में जाके हम लोग को पता लगाना पड़ेगा, पता लगाना चाहिए भाई, इनमें से कोई बंदा हो सकता है। सो गाइस आप फटाफट कमेंट कर देना यार प्लीज। सो गाइस मुझे लगता है ना गाइस अब डॉन द जॉन के पास्ट में जाना चाहिए। डॉन बनेगा जान भाई, तू मेरा पीछा कर। डॉन बनेगा जान भाई, तू पागल हो चुका है क्या? मैं उसको क्यों मारूंगा भाई, मेरे को ना अभी सबके ऊपर शक करना पड़ेगा। चल भाई तेरे को मेरा पोर्टल के अंदर डालूंगा, मैं देखना चाहता हूँ भाई जब रुद्र और कीको को इसने मर्डर किया उस टाइम तू कहाँ पे था। मैं जहाँ पे भी होऊंगा मैं इन दोनों को नहीं मारा, ये तो मेरे चप्पल के समान है। ओए इन सबको मैं मारा तो मेरा ही बेइज्जती होगा। डॉन बनेगा जॉन, डॉन बनेगा जॉन। ओए ये सब मेरे कीड़े कीड़े कीड़े।
ठीक है तू बोल रहा है तो डॉन बनेगा जॉन, मैं इस पोर्टल के अंदर घुसूंगा, चल मैं इसके अंदर चला गया। भाई ये ना कीको और रुद्र को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। चलो गाइस अब बटन दबाते हैं यार, इसके पास में चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं प्यास की आंख। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे तो गाइस बहुत सारा भेड़िया है और इस कार है, और जॉन द डॉन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ओए यार मेरे को समझ नहीं पड़ा भाई, इनका बात सुनना पड़ेगा। ओए इस कार मेरे को माफ कर दे डॉन जानेगा। जॉन भाई जो कर्जा है ना मैं 2000 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा दे दूंगा भाई, मेरे को माफ कर दे, सूद समय सब दे दूंगा। तू पैसा नहीं दे रहा मेरा। सो गाइस जॉन द जॉन ना इस लायन से पैसा मांगा है सच में। अरे दोस्तों मैं हूँ रुद्र। सो दोस्तों मेरे को पता लगा है यहाँ पे डॉन द जॉन ना इस कार के साथ एक डील कर रहा है। लगता है आने वाले कल में डॉन द जॉन इस जंगल का राजा बनना चाहता है। मुझे इससे बात करना पड़ेगा नहीं तो जंगल खतरे में आ जाएगा और बहुत सारे बंदे को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ओए डॉन द जॉन, ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तेरा प्लान क्या है? डॉन बनेगा जॉन, डॉन बनेगा जॉन, डॉन इस जंगल का राजा, दुनिया का राजा, पापा हूँ पापा। ओए मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तू सच बता दे, तू बातें घुमा रहा है, तू यहाँ पे किस लिए आया है, क्या चाहता है? ओए अरे डॉन बनेगा जॉन, मैं इन सबसे अंडा खाने आया हूँ, ये सब अंडा बनाते हुए अभी ये लगते है मार खाएगा मेरे हाथे। अरे डॉन बनेगा जॉन भाई मेरे को मत मारना, सच बात बताओ। आई मैं इस कार से बातचीत करने आया हूँ, मैंने ना इससे पैसा मांगा था, पैसा उधार मांगने आया था, अरे वो मैंने पैसा लौटा रहा हूँ आज। आजकल तू एनिमल से पैसा उधार मांग रहा है भाई, पागल है पागल। मेरे को यहाँ से चला जाना चाहिए, लगता है जो इन्फॉर्मेशन मिला था ना गलत है। मैंने सोचा था ये सब मिलकर कोई प्लान बना रहे बड़ा, भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों भाई रुद्र आया, डॉन द जॉन से बात किया, उसके बाद चला गया। भाई देख के लगता है डॉन द जॉन और इनका कोई भाई कोई दुश्मनी भी नहीं है। लगता है गाइस मुझे इन सबको छोड़ के प्रेजेंट पे जाना चाहिए। ऑलराइट भाई मैं तो आ चुका हूँ। डॉन बनेगा जॉन तूने धक्का क्यों मारा, चल अभी तू जा सकता है यहाँ से। डॉन बनेगा जॉन मैंने पहले ही बोल दिया, वे मैं कोई गद्दार फद्दार नहीं हूँ। डॉन बनेगा जॉन, वे मेरे को लगता है तूने कुछ गड़बड़ किया है डॉन द जॉन, वे तूने ही लगता है मारा है। सच बस बता दे मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा, वे मेरे को जाने दे डॉन बनेगा जॉन। सो गाइस देखो यहाँ पे हर एक बंदा बहुत ज्यादा रो रहा है, सो गाइस मुझे पता लगाना पड़ेगा। अरे लिटिल सिंगम मेरे को लगता है स्किबी टॉयलेट ने मारा है, नहीं तो भाई दूसरे ने मारा है, नहीं तो एबिल नन ने मारा है भाई, किसी ने तो मारा है। ओए आए हम लोगों को पता तो लगाना पड़ेगा भाई, स्किबी टॉयलेट के पास्ट में जाके देख, स्किबी टॉयलेट के पास्ट में जाके देखूं। सो गाइस मेरे को ना एक चीज पता लगाना है। ओए सिबा एक बात बताना, जैक और कीको और रुद्र में तीनों में कैसा दोस्ती था? लिटिल सिंह भैया ये तो बिल्कुल भी अच्छे दोस्त नहीं थे भाई, ये दोनों तो कल लड़ाई करते थे स्कूल पे। लड़ाई क्या लड़ाई करते भाई, सोच में भाई अभी ना मेरे को शक हो रहा है। अरे जैक मेरा एक बार बात सुनना भाई, बुरा मत मानना भाई, सामने जो पोटा लेना तू भी एक बार खड़ा हो जा, मैं तेरा पास देखना चाहता हूँ। ओए लिटिल सिंगम भाई तू पागल हो चुका है, तू अपने दोस्त को शक हो रहा है लिटिल सिंगम। ओए भाई मैं क्यों मारूंगा इन दोनों को, ठीक है तू बोल रहा है तो मैं चलता हूँ। भाई मेरे को सिर्फ एक ही चीज देखना है भाई, उस टाइम भाई तू कहाँ पे था, ये दोनों कहाँ पे थे। चलो गाइस अभी ना वो खड़ा हो चुका है जैक उस पोर्टल पे। सो गाइस चलो बटन दबाते हैं। अरे यार चलो गाइस मैं तो आ चुका हूँ माउंट चिलियाड पे, भाई ये दोनों तो यहीं पे। चलो गाइस इनके जीप के ऊपर ना बैठ जाते हैं और उसी के साथ इन सब का बातचीत सुनेंगे भाई, क्या बात हो रहा था। ओए ओए मैंने पूरा सही बताया, तू ऊपर जाके देख माउंट चिलियाड पे, वहाँ पे दो किडनैपर लोग हैं, किडनैपर लोग। ओए अरे जैक तूने हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो मैं तेरे को बहुत ज्यादा मारूंगा। ओए तू मेरे को पागल सोचा है क्या? और मैंने तेरे को पागल नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरे को ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक मिनट गाइस यहाँ पे ना जैक गाइस झूठ बात बोल के ना इन दोनों को माउंट चिलियाड पे ले आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे कोई क्रिमिनल फ्रिमिनल कुछ भी नहीं है। सो गाइस मुझे लगता है ना जैक कुछ गड़बड़ कर रहा है इन सब के साथ। ऑलराइट गाइस सो दोस्तों हम लोग तो आ चुके हैं, एक मिनट गाइस। अरे यहाँ पे तो देखो रुद्र और कीको गाइस माउंट चिलियाड के साइड पे एकदम खड़ा है। अरे तुम दोनों पागल हो गए, गिर जाओगे यार। यहाँ पे तो कोई भी कुछ नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अरे यार भाई जैक ने इन दोनों को पागल कर दिया है, बोल रहा है वहाँ पे कोई क्रिमिनल है। अरे जैक उन दोनों को अगर सच मत बता दे। ओए यही सबसे बढ़िया मौका है, इस टाइम से इसके कार से उन दोनों को मैं नीचे धकेल दूंगा, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इसने मेरे को बहुत ज्यादा बेइज्जती किया, बेइज्जती किया स्कूल के सामने, सबके सामने मेरे को मारा। ओए आज मैं बदला लूंगा, ये ले। अरे नहीं एक मिनट गाइस, भाई जैक ने तो इसको ऊपर से गिरा दिया। तूने मेरे को पिंकी के सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती किया, बहुत ज्यादा, इसका मैंने बदला ले लिया। लगता है ये दोनों तो मारे गए हैं, उससे पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सो गाइस मेरे को पता लग चुका है भाई जैक नहीं मारा है,
रुद्रा कीको को भाई कितना ऊंचाई से गिरा दिया भाई, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाला जैक को। सो दोस्तों मैं प्रेजेंट पे आ चुका हूँ भाई, मैंने तो पता लगा लिया भाई किसने मारा, और भाई उस तरफ तो देखो। सो गाइस पता लगने के बाद ये दोनों जिंदा हो चुके हैं, जैसे मैंने गाइस आपसे वादा किया था। अरे बहुत 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 बढ़िया बात है लिटिल सिंगम, तूने हम लोग को जिंदा कर दिया भाई, पूरा थैंक यू भाई शिवा को बोलना है, सारे 200 लोगों को बोलना, मतलब गाइस आपकी मदद से। गाइस देखो मैंने इन सबको फिर से जिंदा कर दिया। सो गाइस अब जो जो देख रहे हो भाई थैंक यू सो मच, और आपको बड़े चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।